उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। अगर बात किया जाए रायबरेली की बछरावा विधानसभा सीट की, तो बछरावा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील पासी भी इस समय खूब जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का भी भारी समर्थन मिल रहा है। इस समय बछरावा विधानसभा सीट के बरहुआ गाँव में सुशील पासी की एक जनसभा उधर बीजेपी के लोग कहते हैं भाजपा लड़ा रही है, उधर अपने दल वाले लोग कह रहे हैं भाई ये अपने दल का कैंडिडेट है हम लड़ा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनसे आप पूछो ये आपका विधायक बन रहा है कि किसका विधायक बन रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके बीच में आपके समाज का बेटा सुशील पासी जो लगभग 22 सालों से आपके बीच में संघर्ष करता चला आ रहा है अभी तक विधायक नहीं बना है, और विधायक न होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो आपके बछरावा विधानसभा में उसके पास कलम की ताकत नहीं थी, फिर भी खेलकूद मंत्री आर के चौधरी थे उनसे हाथ पैर जोड़ करके आपके विधानसभा में दो दो स्टेडियम एक बछरावा में और एक सलेधो में बनाने का काम किया। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुशील पासी आपके बीच में आपके घर का बेटा है, आपके महाराजगंज का बेटा है। आप जब चाहो अगर 12 बजे रात में भी मिलना चाहो तो सुशील पासी से आप मिल सकते हो, उससे अपनी बात को कह सकते हो। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आपके बीच में हमारे राजू खां जो हमारी बरहुआ ग्राम सभा के ग्राम सभा अध्यक्ष है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने की कृपा करें। बड़े भाई राजू खां जिसने 22 साल सेवा किया और नौकरी छोड़ दिया और नौकरी छोड़ के आप लोगों की सेवा किया है, उस आदमी को हम लोग अब की बार विधायक बना के विधानसभा तक पहुंचाने का कष्ट करें। इस आदमी ने अपने घर का न तो पट्टेदारी न ठेकेदारी किसी तरह का कोई काम इसके घर में नहीं होता। वो आदमी ऐसा है जिसने न कुछ देखते हुए अपनी सरकारी नौकरी को लाभ मार दिया और जनता की सेवा को सबसे अच्छा और सबसे सर्वोपरि माना। उस आदमी को हम लोग अगर अपनी बार नहीं जिताएंगे तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। इस आदमी को हम लोगों को अपनी बार पंजे में मोहर लगाकर जिताना है और हम लोगों के बीच में अभी कुछ ही देर में श्री सुशील पासी जी आ रहे हैं और उनका स्वागत करना है। और हमारे ब्राह्मण समाज जो कि आज श्री जुगुन तिवारी जी जिन्होंने श्री सुशील पासी जी को बुलाया है और माननीय श्री सोनिया गांधी के प्रतिनिधि श्री के एल शर्मा जी के सामने उनको आज यहाँ जोड़ने का काम करेंगे। श्री जुगुन तिवारी जी ने आज यहाँ पर बुलाकर हम लोगों को एक अच्छी और सही रास्ता बताने का कष्ट किया है और काम किया है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आज उनका तहे दिल से स्वागत करें और उनका पूरी तरह से उनको मालूम हो जाए कि बरहुआ की जमीन में ब्राह्मण यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, किसी से कोई किसी तरह का भय नहीं है। यहाँ हर तरह के जाति के लोग रहते हैं लेकिन आज तक किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ है। आज हम ये चाहते हैं कि जो जुगुन तिवारी जी ने इतना बड़ा काम किया है ब्राह्मणों को जोड़ने का, वो आज बहुत बड़ा काम है हमारे बीच में श्री भगवान जी जी से है उनके पास। अपने दोस्तों ब्राह्मणों के साथ शामिल करूंगा, मैं उनको इस के लिए बार बार बधाई के पात्र है वो, और ये जो हमारे पत्रकार बंधु हैं मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, और ये जो हमारे इस न्याय पंचायत से आए हुए सम्मानित हमारे कांग्रेस जन हैं मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, और जो भी इस कांग्रेस में शामिल हैं यहाँ पर मैं इनका सम्मान करता हूँ, और वरिष्ठ कांग्रेस जन और इस मंच पर बैठे हुए सभी
लोगों का अभिवादन और वंदन करता हूँ। और जो ग्राम सभा के अध्यक्षगण, न्याय पंचायत के अध्यक्षगण आए हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 1965 में, तो ये कांग्रेस ने यहाँ तक दिया है कि मैं ये नहीं जानता था कि ये डिबलर क्या होता है, या मेस्टर घर क्या होता है, या जो मशीनें ये चल रही हैं, ये कागज में केवल लिखी होती थी। और ये सरकार जो आज कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं बताना चाहता हूँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का कार्य केवल कांग्रेस का। मैं जब 1972 में पढ़ता था तो मैंने सेवा दल की ट्रेनिंग किया था, तब से 49 साल से मैं कांग्रेस में लगा हुआ हूँ। और इस नए पंचायत से नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक के सारे ग्राम प्रधान और सारी जनता जानती है कि मैं कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं इसीलिए सबका सम्मान और वादन और वंदन करता हूँ। ये भाजपा सरकार ने कोरोना काल में जब हमारे दिल्ली या बम्बई या जो भी बड़े बड़े दूरों के लोग आते थे, 7-7 किलोमीटर तक थे, कोरोना काल में लोगों के जो औरतें महिलाएं थी उनके पैर में छाले पड़ गए थे, और उनको, उन औरतों को, लड़कियों को, मर्दों को ये भाजपा सरकार कैद करके उनके ऊपर लाठी चलवाती थी कि तुम अपने गांव मत जाओ। तो अगर तुम लोग अपने को आगे बढ़ाना चाहते हो, विकास कराना चाहते हो, तो कांग्रेस की मदद करिए। और कांग्रेस ने, जो प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि महिलाओं को हम सशक्तिकरण देंगे, महिलाओं को फ्री बस की सेवा देंगे, हर महिला को, चाहे 60 साल की जो भी हो, वृद्धा महिला हो या जवान बूढ़ा हो, उसको 1000 पेंशन देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। जिंदाबाद सुशील।